राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर कांग्रेस के सफाई। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बीमार रिश्तेदार को देखने गए हैं राहुल गांधी, छुट्टी पर नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी से किया सवाल, कहा क्या परिवार के सदस्य के बीमार होने पर कोई देखने नहीं जा सकता। कांग्रेस जहां भी कार्यकर्ता के तौर पर भेजती है राहुल जाते हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल पूछने पर भड़के कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कहा अपने नानी से मिलने गए हैं राहुल गांधी, पूछा इसमें किसी को परेशानी क्या है। केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी पर निचले स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा बीजेपी राहुल गांधी को कर रही है टारगेट, हर किसी को निजी तौर पर बाहर जाने का हक। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बीजेपी का तंज, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कसा तंज, कहा भारत में राहुल की छुट्टी खत्म, अब इटली वापस चले गए। राहुल गांधी पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी चुटकी ली, कहा पार्टी के स्थापना दिवस पर राहुल 9/11। आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस समारोह, दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर एके एंटनी ने फहराया झंडा। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया संदेश, कहा आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक कांग्रेस ने देश प्रेम, जनसेवा, भाईचारा, एकता और अखंडता जैसे मूल्यों के लिए ही संघर्ष किया। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर विदेश यात्रा पर गए राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा देश हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध, स्थापना दिवस पर सच्चाई और समानता के संकल्प को दोहराते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सीबीआई के हलफनामे से ममता बनर्जी ने शारदा कनेक्शन का खुलासा, शारदा के प्रमोटर सुदीप तुफैन से ममता के कुछ अच्छे, बहुत अच्छे रिश्ते। सीबीआई के मुताबिक कुणाल घोष के फोन से ममता और सुदीप तुफैन में हुई बात, विधानसभा चुनाव के वक्त शारदा के प्रमोटर से जबरन दुर्गा पूजा समितियों को पैसे दिलवाए। सीबीआई के हलफनामे में सीएम रिलीफ फंड से शारदा ग्रुप के तारा टीवी को 6 करोड़ से ज्यादा देने का खुलासा, हर महीने के हिसाब से 27 लाख रुपए दिए गए। ममता सरकार के मंत्री पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा आरोप, कूचबिहार में बीजेपी नेता के घर पर हमले का वीडियो शेयर किया, मंत्री डंडे से लैस, भीड़ का नेतृत्व करते दिखे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज 2 दिन के दौरे पर बीरभूम जाएंगी, आज प्रशासनिक बैठक में शामिल होने के बाद मंगलवार को जनसभा को संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी पर हमला, विश्वासघात का आरोप लगाते हुए बिना रीढ़ वाला नेता करार दिया। अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर में किया शक्ति प्रदर्शन, शुभेंदु अधिकारी पर सीबीआई और ईडी के डर से राजनीतिक पैंतरेबाजी का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने भी पश्चिमी मेदिनीपुर में की जनसभा, अभिषेक बनर्जी के बार पर किया पलटवार। कोलकाता में टीएमसी की अपील पर बुद्धिजीवियों ने की विरोध सुबह, बीजेपी पर बंगाल की संस्कृति पर हमला करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा का पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना, कहा राज्य के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए दोनों को माफी मांगनी चाहिए। पीएमसी बैंक घोटाले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और प्रवीण राउत के बीच 50 लाख से ज्यादा लेन देन का खुलासा, ईडी ने संजय राउत की पत्नी को भेजा समन। वर्षा राउत को ईडी का तीसरा समन, पहले 11 दिसंबर फिर 22 दिसंबर को भेजा गया था समन, खराब सेहत का हवाला देकर पूछताछ में शामिल नहीं हुई थी वर्षा राउत। पत्नी को ईडी के नोटिस मिलने पर नाराज देकर संजय राउत, कहा राजनीतिक बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई, दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राउत। संजय राउत की पत्नी को नोटिस मिलने पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री, कहा बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ ईडी और सीबीआई को लगा देती है सरकार। नीतीश कुमार ने एक बार फिर दिया चौंकाने वाला बयान, कहा सीएम बनने की नहीं थी कोई इच्छा, बीजेपी को दिया अपना मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर। नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे सुशील कुमार मोदी, कहा जेडीयू बीजेपी वीआईपी के निवेदन पर सीएम बने हैं नीतीश, बिहार सरकार पूरा करेगी कार्यकाल। अरुणाचल मामले में सुशील कुमार मोदी का बयान, कहा अरुणाचल के मामले का बिहार के गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर, बिहार में अटूट है गठबंधन। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान, लव जिहाद के नाम पर देश में नफरत फैलाने की कही बात, कहा धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के पक्ष में नहीं है जेडीयू। केसी त्यागी ने कहा संविधान 2 बालिगों को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने का देता है अधिकार, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो। असम में मदरसों को नहीं मिलेगी सरकारी मदद, हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा राज्य सरकार आज सदन में पास करेगी विधेयक, मुस्लिम लीग की सरकार ने आजादी के पहले शुरू किया था। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 33वां दिन, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। सरकार किसानों से करीब 24 घंटे के बाद 6ठे राउंड की बातचीत, किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव में 4 एजेंडे रखे। किसानों ने अपना आंदोलन और तेज किया, गाजीपुर बॉर्डर पर बकायदा टेंट सिटी बना दी गई है, प्रदर्शनकारियों ने कहा सरकार को भेजा संदेश हिलने वाले नहीं है। सरकार किसानों में बातचीत से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, सिंघू बॉर्डर पर लगे मोदी मर जाए के नारे। किसान आंदोलन पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान, कहा बातचीत से समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 29 दिसंबर को होनी है बात, कैलाश चौधरी ने हल निकालने की उम्मीद जताई।
कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों के नजरिए से बातचीत होनी जरूरी, सियासी नजरिए से नहीं। हिमाचल सरकार के 3 साल होने के कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कोई माई का लाल किसानों से जमीन नहीं छीन सकता है, दुष्प्रचार से बचे किसान। राजनाथ सिंह ने कहा थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन नए कृषि कानूनों से किसानों की आय दोगुनी होगी। राजनाथ सिंह का आंदोलनकारी किसानों से अपील, कम से कम 1.5-2 साल तक कृषि सुधारों का असर तो देखिए। किसान आंदोलन को लेकर प्रियंका वाड्रा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार कर रही है किसानों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल। प्रियंका ने कहा किसानों के लिए जवाबदेह है केंद्र सरकार, आंदोलनकारियों की बात सुने, कृषि कानूनों को तत्काल प्रभाव से वापस ले। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, मोदी सरकार पर किया हमला, निष्ठुर निर्दयी सरकार करार दिया, कहा काले कानून वापस ले सरकार। रणदीप सुरजेवाला ने कहा मोदी जी किसानों को काले कानून मानने नहीं तो हाईवे से भाग जाने को कह रहे हैं, देश का किसान भागने वाला नहीं। सुरजेवाला ने कहा कांग्रेस के शासन में किसान ने कभी आंदोलन नहीं किया, मोदी वाटर कैनन और गड्ढे खोदकर किसानों को रोकने की कर रही है कोशिश, प्रधानमंत्री को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। देश को मिली ड्राइवर के बिना चलने वाली पहली मेट्रो, पीएम मोदी ने दिखाई ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी, बोले ड्राइवरलेस मेट्रो के साथ भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर दौड़ी पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, पीएम ने कहा आज से 3 साल पहले मेजेंटा लाइन मेट्रो का उद्घाटन किया था, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा की भी शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है भारत, तेजी से प्रगति के पथ पर चल रहा है देश, पहले भविष्य की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। प्रधानमंत्री ने अटल जी को किया याद, बोले अटल जी के प्रयासों में पहली मेट्रो चली, 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 18 शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवा, 2025 तक 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा करोड़ों भारतीयों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग का सबूत है मेट्रो, अब रोजाना 85 लाख लोग करते हैं यात्रा। पीएम ने मेक इन इंडिया का किया जिक्र, बोले हमने स्थानीय मानकों, आधुनिक टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया के विस्तार पर दिया जोर। प्रधानमंत्री बोले देश में पहले मेट्रो को लेकर कोई नीति नहीं थी, हमारी सरकार ने शहरीकरण को चुनौती नहीं अवसर के तौर पर देखा। पीएम ने कहा देश में मेट्रो निर्माण से आत्मनिर्भर भारत को मिल रही है मजबूती, मेट्रो कोच का निर्माण में जुटी है 4 कंपनियां, कोच की लागत 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ तक पहुंची। मोदी ने कहा मेट्रो में 130 मेगावाट सोलर पावर का होता है इस्तेमाल, मेट्रो की वजह से सड़कों से हजारों वाहन कम होने से घटा प्रदूषण। पीएम ने कहा दुनिया में नई पहचान बना रहा है 21वीं सदी का भारत, वन नेशन वन फास्टैग से हाईवे पर ट्रैवल सीमलेस हुआ। प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, बोले वन नेशन वन टैक्स यानी GST से टैक्स का जाल कम हुआ, वन नेशन वन पावर ग्रिड से लगातार और पर्याप्त बिजली सप्लाई की सुविधा मिली। पीएम ने एक बार फिर आयुष्मान भारत योजना का जिक्र किया, बोले आयुष्मान योजना से देश में कहीं भी स्वास्थ्य सुविधाओं का ले सकते हैं लाभ। किसानों को पीएम मोदी की 100वीं सौगात, प्रधानमंत्री 100वीं किसान रेल को दिखाएंगे हरी झंडी, महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलेगी ट्रेन के जरिए सब्जियों और फल की होगी ढुलाई, ट्रेन में फल सब्जी की खेप की मात्रा की कोई सीमा नहीं, सरकार ने फल सब्जियों के परिवहन पर 50% तक की सब्सिडी बढ़ाई। एमपी विधानसभा का आज से शुरू होने वाला सत्र स्थगित, सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से हुआ फैसला। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली जी की जयंती आज, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, बगैर थके जेटली देश की सेवा के लिए काम करते रहे। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित होगा बिहार, कोरोना काल में लोगों के खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा सम्मान, 30 दिसंबर को करेंगे सम्मानित। दिल्ली के बदरपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एमसीडी के खिलाफ हल्ला बोल, बीजेपी शासित तीनों एमसीडी में 2500 करोड़ घोटाले का आरोप लगाया। आज से 3 दिनों की दक्षिण कोरिया यात्रा पर आर्मी चीफ MM नरवणे रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर करेंगे चर्चा। श्रीगंगानगर नागी दिवस पर शहीदों को दी गई खास अंदाज में श्रद्धांजलि, 2 दिन के समारोह में लड़ाई का लाइट एंड साउंड शो का किया गया प्रदर्शन। 49वां नागी दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, 16 दिसंबर 1971 को नागी की लड़ाई भारतीय सेना के सच्चे बलिदान को बताता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में साधु पर हमले मामले में एक्शन में पुलिस, वीडियो के आधार पर 14 लोगों को किया गिरफ्तार, फरार आरोपियों की तलाश जारी। गांव वालों की शिकायत पर पुलिस ने पीड़ित साधु पर भी दर्ज किया आपराधिक मामला, कल भीड़ ने साधु पर किया था पथराव। दिल्ली एम्स में शिफ्ट होंगे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत, कोरोना की वजह से सीने में इन्फेक्शन, 18 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव हुए थे रावत। 15 दिसंबर को ब्रिटेन से उत्तराखंड लौटे 5 लोग कोरोना पॉजिटिव, उनके संपर्क में एक शख्स भी संक्रमित, सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। नांदेड़ में भी ब्रिटेन से आया एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, यात्री के संपर्क में आने वाले 3 लोगों को भी क्वारंटीन किया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ब्रिटेन से आया एक और युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, पहले 57 साल की महिला पाई गई थी पॉजिटिव। बीएमसी ने यूरोप, मिडल ईस्ट, साउथ अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए रिवाइज गाइडलाइंस जारी की, 14 दिन का क्वारंटीन कंपल्सरी।
यूके से आए यात्रियों के लक्षण नहीं हुए तो 7 दिन तक होम क्वारंटीन, पॉजिटिव मरीजों का सेवन हिल्स अस्पताल में इलाज होगा। देश भर में 24 घंटे में कोरोना से 20,021 लोग संक्रमित, अब तक 1,02,07,000 लोग संक्रमित। देश में एक दिन में कोरोना से 279 लोगों की हुई मौत, अब तक 1,47,901 लोगों की गई जान। देश भर में 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज ठीक हुए। देश में एक्टिव केस की संख्या 2,76,000। देश में अभी तक 16,88,00,000 कोरोना के सैंपल की हुई जांच। रविवार को 7,15,000 लोगों का टेस्ट। आंध्र में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी, अधिकारियों ने स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन और तैयारियों का जायजा लिया। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,314 लोग संक्रमित, 64 लोगों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 577 नए केस, 8 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 757 नए मामले, 16 लोगों की मौत। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 205 नए पॉजिटिव केसेस। तेलंगाना में 6,231 कोरोना के एक्टिव केस। यूपी के बुलंदशहर में अस्पताल से भागे 4 कोरोना के पीड़ित कैदी, पुलिस ने 3 को दबोचा, एक अभी भी फरार, पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। 10 महीने के बाद अहमदाबाद में खुला गुजराती थिएटर ड्रामा, लॉकडाउन के बाद से था बंद। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला, कोरोना की वजह से 9 महीने से था बंद। अमेरिका में कोविड राहत बिल को मंजूरी, राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल पर किया साइन, कहा महामारी की वजह से रोजगार गंवाने वालों को मिलेगी मदद। यूरोपीय संघ के देशों ने टीकाकरण शुरू किया, रोमानिया में एक नर्स को पहला टीका लगा। फ्रांस में कोरोना की पहली वैक्सीन 78 साल की महिला डॉक्टर को लगाई गई। इटली में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू, पहला डोज एक नर्स को लगाया गया। स्पेन में भी टीकाकरण का काम शुरू, 96 साल की महिला को पहला टीका लगा। जर्मनी में भी देश भर में कोरोना का टीकाकरण शुरू, हैम्बर्ग में 84 साल की महिला को पहली वैक्सीन की डोज। ऑस्ट्रिया में 84 साल की महिला को लगाया गया कोरोना का पहला टीका, कहा महामारी पर जीत का पहला कदम। माता वैष्णो देवी मंदिर के पास सीजन की पहली बर्फबारी, आसपास के इलाके में बढ़ी ठंड। मुंबई के वडाला में एक इमारत में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले फ्रीज, फिर गैस सिलेंडर में लगी आग, 2 महिला और 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लखनऊ में आग का गोला बना कंटेनर, आग की चपेट में आने के कारण कंटेनर में रखी 3 कार और 2 बाइक समेत गृहस्थी का सामान जलकर खाक, फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई भारी बर्फबारी, जाकू इलाके में घर से लेकर सड़क और गाड़ियां बर्फ की सफेद चादर में ढकी। भारी बर्फबारी की वजह से ऊपरी शिमला की सभी सड़कें बंद, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी, सैलानियों की बड़ी मुश्किल। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में भी भारी बर्फबारी, सफेद बर्फ की चादर से ढके पहाड़ और पेड़, बर्फबारी की वजह से पारा लुढ़का। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की ICC से अपील, DRS सिस्टम की समीक्षा की मांग की, कहा खेल में फील्ड एम्पायर के फैसले से संतुष्ट नहीं होने की वजह से खिलाड़ी DRS लेते हैं।